कोरोना नामक महामारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है और इसी बीच देश में स्वच्छता बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी बन गया है क्योंकि यह वायरस इसी तरह फैलता है। आपको बता दें कि वडोदरा जिला के वाकोड़िया नगर में बस डेपो के पीछे नवी नगरी इलाके में पिछले लंबे वक्त से गटर के पानी की समस्या से लोग परेशान थे और यह जो ड्रेनेज का गंदा पानी था वो छोटे नाले में एकत्रित होता था जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी और इससे मच्छरों का उपद्रव भी बढ़ता था। इस बारे में कई बार शिकायत दर्ज हुई है और आज इसकी सफाई करने का बेड़ा ग्राम पंचायत के द्वारा उठाया गया। आपको बता दें कि वाकोड़िया ग्राम पंचायत की ओर से वाकोड़िया सरपंच सर और पंचायत के सभियों के द्वारा इसकी सफाई करवाई गई और आज से ही सफाई का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। नवी नगरी इलाके से लेकर छात्रालय तक और समृद्धि सोसाइटी सूरज रोड तक जेसीबी मशीन के जरिए यहां पर सफाई करवाने का काम किया जा रहा है। आज रोज वाकोड़िया ग्राम पंचायत सरपंच तेमज हमारी ग्राम पंचायत वाली साथे मड़ी ने दरेक जगह ने विस्तारों में हमें सफाई करावे छे, सैनिटाइज करावे छे, धुमाड़ा नु मशीन फेरावे छे अने कोई पण जगह पानी नो रिकॉर्ड थयेलो होय तो पोस्टमन सामे आज 4 दिवस सफाई करीए छे। कोरोना नु मारामारी चाले छे। ઉત્તર સરકારનો આદેશ અમે પાલન કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ અને મારી